तो सही कह रही है सोनिया, वो साले हमारे कुछ लोगों को पकड़कर अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना, उन कुत्तों को मैं बताऊंगा कि तबाही क्या होती है। देख वो ड्रग्स दे रहा है, इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ये वही ड्रग पेडलर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अभी तक तुम लोगों ने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं, इसीलिए ये केस भी हम लोग तुम लोग को दे रहे हैं। हमें उम्मीद है ये केस भी तुम लोग उसी तरह सॉल्व कर लोगे। यस, इट्स वेरी सीरियस एंड दिस टाइम यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड। क्योंकि तुम लोगों को इस बार एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ना है जिसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, न किसी ने उसका चेहरा देखा है, न कोई उसका असली नाम जानता है, यहाँ तक कि वो रहता कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं है। बट ये केस इतना इजी नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। उसने कई जगहों पर बम ब्लास्ट करवाए हैं, और तो और स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब तो उसके लिए आम बात है। लोगों का किडनैप करके ह्यूमन ऑर्गन रैकेट चलाता है, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मिशन में तुम लोग को जान का ख़तरा भी हो सकता है, बट आई नो ये मिशन तुम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। आदित्य, इस मिशन को तुम लीड करोगे। विशाल, स्नेहा, कृति, तुम लोग आदित्य के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे। और एक बात, इस क्रिमिनल ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस फाइल में तो उसकी आइडेंटिटी की जगह पे सिर्फ A05 लिखा हुआ है। गाइस, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। मिशन A05 स्टार्ट्स नाउ।